Three sparks, sparking the excellence. So now we will study about shear force and shear stress. तो शियर स्ट्रेस क्या होता है, उसके पहले हम देख लेंगे कि शियर फोर्स क्या होता है। जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में देखे हैं, जो नॉर्मल फोर्स होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करता है, टेंशन फोर्स और कंप्रेशन फोर्स, जिसके वजह से इसका जो बॉडी का है उसका या तो लेंथ इंक्रीज होता है या उसका लेंथ डिक्रीज होता है, उसका डायमेंशन इंक्रीज डिक्रीज होते हैं। अपोजिट टू इट, जो शियर फोर्स होता है वो सरफेस के पैरेलल एक्ट करता है। मान लीजिए ये एक ब्लॉक ऑफ वुड है, तो इसके पैरेलल शियर फोर्स एक्ट करता है, ये सरफेस के पैरेलल, एंड दिस फोर्स एक्ट्स पैरेलल टू दिस सरफेस। तो इसमें डिफॉर्मेशन जो होता है कुछ इस प्रकार के होते हैं। ये जो फोर्स, ये चाहता है इसको इधर पुश करने के लिए और ये चाहता है इसको इधर पुश करने के लिए, तो इसके वजह से क्या होता है, एक एंगुलर डिफॉर्मेशन क्रिएट होता है। सो this type of deformation is created. This is the main difference between shear force and normal force. Normal force में perpendicular act करता है जो force रहता है, and shear force में it acts parallel to the surface. Second difference is that in normal force में क्या होता है, body tension compression में आता है, और shear force में एक angular deformation होता है। So shear stress, it is the stress that acts tangentially to the area. Okay. सो ये एक ब्लॉक है, मान लीजिए किसी का भी, मे बी इट मे बी ऑफ वुड और इट मे बी ऑफ एनी मेटल, और इसके सरफेस में जो है, इसके सेट में, ये हम जब अभी 3D में देखेंगे देन इट विल बी क्लियर टू यू। तो ये एक ब्लॉक ऑफ वुड है और इसमें दो फोर्सेस एक्ट करते हैं, एंड दिस इज द पार्टिंग लाइन, ये एक डिवाइडिंग लाइन है। ये किस चीज का है, हम इसको एक एनिमेशन से देख लेते हैं। पर मान लीजिए एक ब्लॉक ऑफ वुड है, हम इसके इधर फोर्स देते हैं, एक इसको अपवर्ड देते हैं फोर्स और इसको डाउनवर्ड फोर्स देते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है कि ये चाहता है इसको ऊपर तरफ को पुश करने के लिए और इसको बॉटम को पुश करने के लिए चाहता है। जब बॉडी का इंटरनल स्ट्रेसेस से, इंटरनल जो स्ट्रेस है उनसे जब ये फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, देन परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है इनमें, लाइक दिस। देखिए इसमें क्या हो जा रहा है कि वो बॉडी में डिफॉर्मेशन क्रिएट हो जा रहा है, ये उसको ऊपर पुश कर दिया है, ये उसको डाउन में पुश कर दिया, तो इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है। और इस चीज़ को अगर प्रिवेंट नहीं किया जाए देन इट कैन लीड टू कंप्लीट डिसरप्शन, जिसकी वजह से पूरा मेटल टूट सकता है। नाउ कमिंग टू अ 3D व्यू, ये एक 3D व्यू है एक ब्लॉक ऑफ वुड का, ब्लॉक ऑफ मेटल, कंसिडर इट इज़ अ ब्लॉक ऑफ मेटल पकड़ लीजिए, बिकॉज इसमें डिफॉर्मेशन ज़्यादा प्रायोरिटी में लेते हैं। तो हम इसमें दो फोर्सेस देते हैं, अप्लाई करते हैं, वन इज दिस फोर्स एंड अनदर इज इन दिस डायरेक्शन, वन इज बॉटम डायरेक्शन, वन इज टॉप डायरेक्शन। सो इसके वजह से क्या है, ये जो है सरफेस में एक्ट कर रहे हैं। देखिए ये जो है रेजिस्टिंग फोर्सेस है, हम जब भी इधर अप्लाई करते हैं ये फोर्स, तो इंटरनली बॉडी चाहता है, बॉडी उसको अपोजिट फोर्स देता है टू मेंटेन इट इक्विलिब्रियम। जैसे आपको कोई पुल करता है तो आप उसको रेजिस्टिंग फोर्स देते हैं, आप चाहते हैं कि आप अपने जगह से ना हटें तो आप उसको खींच के रखते हैं। सो सिमिलरली जब इधर एक फोर्स अप्लाई किया जाता है तो बॉडी चाहता है कि हम भी इसको ऐसे ही मेंटेन करके रखें, बिकॉज दिस इज माई इक्विलिब्रियम स्टेट, हम इसी स्टेट में हम स्टेबल हैं, एंड सो अ रेजिस्टिंग फोर्स इज अप्लाइड इन दिस डायरेक्शन। और ये हम लोग का सरफेस है, जहाँ जहाँ पे हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वी अप्लाई दिस ऑन दिस सरफेस एरिया। ओके, सो इस सरफेस एरिया में हम फोर्स अप्लाई किए और इस सरफेस एरिया में अप्लाई किए। सो शियर स्ट्रेस कैन बी नाउ रिप्रेजेंटेड बाय टाओ, इस चीज को टाओ बोलते हैं, टाओ कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पी बाई ए, जहाँ की पी अप्लाइड फोर्स है एंड ए हमारा एरिया है और दी सरफेस का जो एरिया है। ऐसे हम देख लें कि ये जो फोर्स है ये टेंजेंशियली एक्ट कर रहा है, बॉडी का जो टेंजेंट है उसके सरफेस में ये एक्ट कर रहा है। अगर इसी चीज़ को नॉर्मल फोर्स में होता तो वो इस दर से परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक्ट करता, या फिर इन दिस डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बट इस जगह में हम देख रहे हैं कि ये पैरेलल टू द सरफेस है। नाउ कमिंग टू द क्लासिफिकेशन, शियर स्ट्रेस जो है नॉर्मली हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सिंगल शियर और डबल शियर में डिफ्रेंशिएट करेंगे, और इसके लिए हम पहले देख लेते हैं सिंगल शेयर क्या है। सो इन सिंगल शेयर लेट अस कंसीडर दिस एज अ ब्लॉक, इसको कोई भी एक वुड का ब्लॉक हो, ये एक वुड का स्टैंड है जहाँ पे हम यहाँ एक लोड लगाए हुए हैं, एंड दिस इज द नट। तो ये नट है, इस नट को हम बाहर करके इधर निकाले हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम अभी ड्राइंग करेंगे तो ये कैसा दिखेगा। ब्लॉक ऑफ वुड जो है ये उसको ऊपर की ओर सपोर्ट करके रखता है, ब्लॉक ऑफ वुड के बिना क्या होगा, ये नट लोड के साथ नीचे गिर जाएगा। सो ब्लॉक ऑफ वुड इसको ऊपर की ओर
ढकेल के रखता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, ब्लॉक ऑफ वुड जो है उसको ऊपर की ओर फोर्स दे रहा है एंड लोड उसको नीचे की ओर फोर्स दे रहा है, तो इसी वजह से शियर फोर्स डेवलप हो जाता है और इसी क्रॉस सेक्शन जो है ये क्रॉस सेक्शन से बोल्ट शियर होने का चांसेस है। ओके सो फाइनली अगर इस चीज़ को हम ना देखें देन द सिचुएशन कैन बी मोर कैटास्ट्रॉफिक, सिचुएशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम कर सकता है एंड दिस लोड में डिक्रीज लोड में फॉल लोड विल फॉल डाउन। ओके तो सिंगल सी यही है कि इसमें जो है शियर एक ही जगह में हो रहा है, देख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, देखिए सियर सिंगल सियर को और एक एग्जाम्पल से हम देखेंगे। मान लीजिए ये एक बोल्ट है और इसको हम दो प्लेट दिया हुआ है, आपका कोई दोस्त इसको इस प्लेट से खींच रहा है, सेकंड फ्रेंड आपका इस प्लेट को खींच रहा है, तो बोल्ट में क्या होता है इंटरनल फोर्स डेवलप हो जाता है, इट ट्राइज टू मूव दिस विद दिस प्लेट, सिमिलरली इट ऑल्सो ट्राइज टू मूव विद दिस प्लेट, तो इसके बीच में क्या होता है इंटरनल फोर्स जनरेट हो जाते हैं, इंटरनल स्ट्रेसेस जनरेट हो जाते हैं और इसको शेयर कर देते हैं। इन दिस केस टाउ इज इक्वल टू पी बाई ए, जो शेयर स्ट्रेस है नॉर्मली जैसे ही है वैसे पी बाई ए हो जाता है। नाउ पी इज द अप्लाइड लोड, ये जो लोड है वही है एंड ए इज द एरिया, इसका जो एरिया है जहाँ से शेयर होगा, शेयर कहाँ से होगा इससे होगा, तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वही ए है। नाउ कमिंग टू डबल शेयर, डबल शेयर में क्या होता है, मान लीजिए ये एक पिन है और पिन को हम दोनों तरफ से सपोर्ट करके रखते हैं, पिन को दोनों एंड से हम सपोर्ट कर लिया है एंड उसमें एक लोड अटैच कर दिया है हम अभी, तो ये वुड और ये वुड का कैपेसिटी है कि ये उसको ऊपर की ओर खींचेगा ड्यू टू दिस लोड विच एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये लोड जो है नीचे की ओर एक्ट कर रहा है, तो ये जो सपोर्ट है ये उसको बैलेंस करना चाहेगा और ये उसको ऊपर की ओर फोर्स देगा। ओके इट गिव्स एन अपवर्ड फोर्स, तो इसमें क्या होता है पिन, ये जो पिन है इसमें इस तरह का फोर्स डेवलप होता है। प्रीवियसली हम देखे थे कि उसमें एक ही अपवर्ड फोर्स है एक ही डाउनवर्ड फोर्स है, सो एक बीच से ही शेयर होता है, मगर इस केस में पिन दो तरफ से शेयर होने का मेन चांसेस है, फर्स्ट एट दिस पॉइंट एट द जंक्शन ऑफ डाउनवर्ड फोर्स एंड अपवर्ड फोर्स एंड सेकेंड इज एट दिस पॉइंट जंक्शन ऑफ अपवर्ड फोर्स एंड डाउनवर्ड फोर्स, तो इस जगह में शेयर होने का चांसेस दिखाई देते हैं। तो अगर आप मान लीजिए कि ये जो है ये अप्लाइड लोड है जिसका की वैल्यू पी है, तो शियर स्ट्रेस कितना डेवलप होगा, क्योंकि यहाँ पे दो इंटरनली जो हम लोग सपोर्ट दिए हैं उसका एक्सटर्नली सपोर्ट दिए हुए हैं, इधर दो सपोर्ट दिए हुए हैं, तो पिन में जो फोर्स डेवलप होगा टोटल फोर्स डेवलप होगा पी बाई ए, तो एक जगह में फोर्स कितना डेवलप होगा इसको हम डिवाइड कर देंगे बाय टू, क्योंकि हम लोग इसको दो जगह में सपोर्ट किए हुए हैं, तो इधर भी जो फोर्स डेवलप होगा इधर भी जो फोर्स डेवलप होगा इधर जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगे ड्यू टू दिस इट विल बी पी बाई टू ए, जहाँ पे पी ये है दिस इज द पी बाई टू, अगर ये पी होता है तो और इसको इक्वली बैलेंस किया है देन इट विल बी पी बाई टू एंड इट विल बी पी बाई टू। ओके तो पी बाई टू प्लस पी बाई टू करने से टोटल पी आता है, इसी तरह से इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। तो अगर फोर्सेस स्ट्रेस जो है इसमें ऐसे जनरेट होगा कि ये जो स्ट्रेस होगा इधर पी बाई टू जनरेट होगा इधर भी पी बाई टू ए जनरेट होगा, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ शियर स्ट्रेस।